का दो भाइयों का मर्डर हुआ है, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पे तमाम लोग उपस्थित हैं, भाजपा के विधायक क्या है? कोई भी नागरिक महफूज नहीं महसूस करता अपने को, सरे शाम घर से निकलना बंद कर देता है, बहु बेटियां महफूज नहीं है, क्योंकि यहाँ जो हादसे अक्सर हादसे रोज अखबार की सुर्खियों में होते हैं वो हकीकत में इस दर्द को बयां करते हैं कि इस जिले में कोई महफूज नहीं है, इस जिले में कोई महफूज नहीं है। ये नहीं वतन मेरे चमन का, ये है वतन मेरे कफन का, बातें यही करो दफन। क्या हाल है वतन, क्या हाल है वतन, क्या बयां करें आपसे? ये बताइए पुलिस के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? बस तो वो दो मुहासर्प है, तो इधर भी काटती है उधर भी काटती है, दो मुहासा पर पुलिस, यही तो पाप है यूपी की पुलिस, यही तो पाप है, यही अभिशाप है यूपी की पुलिस, ये दो मुहासा है, अभी आप है वे आप है। समझिए हम बहुत घटा बनियानी थोड़ा जरूर है, खुद स्वेच्छा पूरे उत्तर प्रदेश सरकार में इधर रोड का ऐसे हमें बाएं यहाँ बैठ के पांगने में बात करिए। एक ना, एक ना, एक एक दो दो सदी है क्या मामला, क्या मेरे राजनीतिक जीवन के प्रारंभ के हमारे साथी अशोकी लाल जी के दो बच्चों को समाज ने धोया है अपराधियों की गोली से। हम सब के लिए, समाज के लिए इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता, और कोहनौर के निकम्मे उस थाने के सभी पुलिसकर्मियों की उससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं। दोनों भाइयों के बीच में आठ आठ बच्चों का भरण पोषण, घर का रोजगार, घर की आर्थिक स्थिति और समाज में फैले दहशत पर जब विचार लोग कर रहे हैं तो सब के बदन में सेहरन। अभी हमारे कुछ मीडिया के मित्रों ने कहा कि पूरे प्रदेश में अपराधियों से निपटने में जहां भी अपराधियों ने गलत हिम्मत दिखाई वहां वो ढेर हुए, प्रतापगढ़ में हुए। मेरा सीधा आरोप संतोष कुमार सिंह जी जहां पुलिस अधीक्षक थे उनकी कार्यशैली पर है, और आज आईजी रेंज इलाहाबाद, जिलाधिकारी और नए पुलिस अधीक्षक जिनको मैंने अभी देखा है, इन तीनों से मेरी अपेक्षा है कि प्रतापगढ़ को अपराध विहीन करने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखेंगे। इस आशय के निर्देश भी हमने स्थल पर दिए हैं, इस प्रकरण को के अभियुक्त पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो परिवार के लोग हैं उनको आर्थिक मदद देने के लिए हम और विधायक जी मदद क्या दीजिए? अभी तक परंपरा 20 लाख रुपए की रही है, हम लोग कोशिश करेंगे 20 लाख से ज्यादा उनकी आर्थिक मदद, उन्हें शस्त्र लाइसेंस मिले, यहाँ पर एक पुलिस चौकी स्थापित हो, कोहनौर के कूड़े थाने का स्थानांतरण हो, जो निरीक्षक था यहाँ का अगर तथ्य ऐसे मिलते हैं तो उसे बर्खास्त भी किया जाए, परिवार जिस भी एजेंसी से जांच करने की बात करेगा उस पर पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी उसकी संस्तुति भेजेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, और यहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग और सघन की गई। बड़ा सवाल ये होता है कि मई में उन्होंने एफआईआर कराया, उस समय के पश्चात निरीक्षक ने क्यों कार्रवाई? मैंने कहा ना आपसे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए। मैं कहता हूँ ना बर्खास्त किया जाना चाहिए, गुणदोष उसकी परीक्षण कर ले जो नियुक्ति प्राधिकारी है, और पड़ी दरखास्त पर कार्रवाई न करने के आरोपी को बर्खास्त करने पर विचार करना चाहिए।